फ्रेश हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो नाम तो मैंने खैर बता दिया था सुबह, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक सरप्राइज ही रहेगा। अभी पहले उनका पैकेज देखते हैं चल के, फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। मम्मी आप मेरा खर्चा बंद कर रही हैं। जो चाहे समझ लो। इन दैट केस व्हाट डू यू वांट मी टू डू? डू व्हाट यू वांट। सोच ले मम्मी। सोच लिया है, बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। ठीक है, फिर मुझे ये ना कहना कि ये क्यों किया और वो क्यों किया। धमकी दे रहे हो मुझे? बोलो क्या करना चाहते हो? डाका डालना चाहते हो? जाओ जाकर डालो डाका। मगर इस पर तो मैं मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कर रहा कि मैं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगी। ओके मम्मी, ओके, यू आस्क फॉर इट। हेलो फाद, कैसे हैं? खैरियत? वेयर इज डैडी? डैडी इधर ही ऑफिस में होंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। श्योर श्योर, हाउ मच? ओनली 5,000। ओके बैठो। थैंक यू। जी सर। मिस निकट, इन्हें अकाउंटेंट के पास ले जाओ, 5,000 का दिलवा दे। राइट सर, आइए आप में सर। जाओ बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी वेलकम। देखा आपने पैकेज, और मेरे साथ सब मौजूद हैं गालिब कमाल, एक्टर, होस्ट एंड सिंगर। अस्सलाम वालेकुम गालिब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। न्यूज वन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मौका दिया यहाँ पर आने का। हम बहुत लकी हैं कि आप मेरे शो पे आए। अच्छा गालिब, ये कशकोल के थोड़े क्लिप्स थे, कुछ क्लिप्स थे, लेकिन आपने बहुत काफी काम किए काफी हद तक। ये पहला आपका था? ये मेरा पहला था, दिस वॉज माई फर्स्ट ब्रेक, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो था मेरा रोल जो है वो नेगेटिव अंदाज का था, एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि मेरे फादर यूज्ड टू टेल मी कि जो भी काम करो अगर तुम अपने को रजिस्टर कर लोगे, भले वो छोटा भी रोल क्यों ना हो, तो फिर लोगों के ध्यान में ये चीज़ आ जाएगी कि यू आर अ गुड एक्टर। तो अल्लाह का शुक्र है जब मैंने कशकोल में ये रोल किया, दो इट वॉज अ बिट नेगेटिव, लेकिन ये रजिस्टर बहुत हुआ। उसका जो असर है वो ये है कि आज भी अगर मैं अपने शोज में या कहीं भी जाता हूँ, माई फैंस, माई एडमायरर्स ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग मी कि आपके नए ड्रामे कब आ रहे हैं, आपने कब काम। और फिर ये तो सवाल मैं आपसे बिल्कुल नहीं आज करने वाली, ओ आप कब आए, आप कोई सरप्राइज नहीं है ये हमारे, आपका इंडस्ट्री में आना कोई सरप्राइज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपके फादर इतने मशहूर एक्टर रह चुके हैं और काफी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है, तो ये कोई सवाल करने का वो नहीं। एक कॉल है हमारे साथ, उसके बाद मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अतिया, काफी देर से आप वेट कर रही थी, सॉरी। हेलो। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप काफी देर से वेट कर रही थी, तो मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ उसके लिए। नहीं, असल में लाइट चली गई थी हम लोगों की। अच्छा अच्छा जी, क्या कहेंगी? जी असल में मेरे भांजे को बात करनी है। जी ये आपने गलत जगह कॉल कर दी है। ये जी जी जी, हाँ अगर आप फैसल कुरैशी तो ऊपर है, वो अपना शो ऊपर कर रहे जी, कीजिए बात। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप गालिब कमाल बात कर रहे हैं? जी जी गालिब कमाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका फोन आया। जी असल में हम आपकी दादी के नेबर में रहते थे। अच्छा बिल्कुल, PCH, हाँ, तारिक रोड पे, बिल्कुल। बल्कि तो फिर तो आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई होगी जब हम लोग छोटे थे, तो ज्यादातर जब हम कराची आते थे वहीं पर हम होते थे, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर घूम रहे होते थे, उनसे खेल रहे होते थे। जी जी, और हमने असल में आपकी आपकी दादी से मिले हुए भी हैं हम लोग तो। अच्छा, अम्मी से काफी उनकी दोस्ती थी। चले माशाल्लाह। अभी बच्चे हम लोग बात कर रहे थे, आपकी सिस्टर शायद डॉक्टर है? जी बिल्कुल, गायनेकोलॉजिस्ट है जी, आजकल वो सऊदी अरेबिया में होती है। अच्छा, यहाँ नहीं होती? हाँ, और माशाल्लाह बहुत उन्होंने नाम और बहुत
जो है वो दुआएं हासिल की हैं और अल्लाह ने उनको बहुत कामयाबी अता की। नहीं माशाल्लाह से उनकी तारीफ सुनी थी जब भी हम लोग बल्कि सोचे थे विजिट करने के लिए उनके पास। अच्छा, तो इसलिए मैंने आज आपको किया। चलें, बहुत शुक्रिया, उनको मैं बताऊंगा आपका मैसेज, बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे भांजे से बात कीजिएगा। हाँ जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी। हाँ जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी या उनकी? आपकी ना भाई, मेरी बात करें या गालिब की बात करें? जी आपकी भी और उनकी भी। अच्छा, मेरी क्या तारीफ सुनी है मुझे बताएं। जी काफी सुनी है। बताओ ना क्या तारीफ सुनी है। इनको पता हो ना कि आमना के प्रोग्राम में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, स्टाइलिश प्रोग्राम होता है। हाँ, तारीफ बताएं। ये आप कैसे बयान करें? अच्छा चलो बयान ना करो। अच्छा क्वेश्चन एक पूछूं? जी। हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है अजमे आली शान, उसके लिए हमने एक 25th को, आपको पता है अब तो सबको ही पता चल गया कायद आजम की बर्थडे, उसके लिए हमने 25th तक हम ये क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो आप कायद आजम से रिलेटेड ही सवाल है, मैं आपसे पूछूं कुछ? जी। जवाब आता होएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो आसान सा पूछ लेती हूँ। कायद आजम का मजार कहाँ है? कराची में। चलो ठीक है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आपको एक शर्ट बैंड और बैज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं गालिब कि आपने स्टार्ट लिया, ड्रामा से स्टार्ट लिया, सिंगिंग कैसे पता चला कि जी मैं गा भी सकता हूँ? हाँ देखो, हमने हुआ ये, जब मैंने कशकोल किया तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप कोई एक रोल कर ले ना तो तमाम उसी किस्म के मॉनिटेंस किस्म के आपको रोल्स ऑफर होना शुरू हो जाते हैं, और मैं करना नहीं चाह रहा था। आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ और मैं डिफरेंट डायमेंशंस में काम करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो रोल है जो इतना ज्यादा रजिस्टर हुआ इसके पीछे भी मेरे फादर का हाथ है, उन्होंने सिखाया था। और उनकी कितनी सपोर्ट थी जब गालिब? बहुत ही ज्यादा। आप ये देखें, बहुत से एक्टर्स मुझे आज मिलते हैं और कभी मैं अगर उनसे ये सवाल भी कर लेता हूँ आपके बच्चे आएंगे, नहीं 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 सवाल ही पैदा, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे। गालिब आपकी क्या एज थी जब आपने स्टार्ट किया था? आई वाज हार्डली अबाउट 16 17 एट द स्टार्ट। तो आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट हुई? नहीं, क्योंकि नहीं, ये तो इसमें तो था कि आपको पता है कि ज्यादातर 2 घंटे 3 घंटे दे यूज्ड टू टेक। फादर ने बहुत सपोर्ट किया? हां, सपोर्ट उन्होंने 101% की, क्योंकि ही वांटेड मी to be an actor, but he still wanted me to complete my studies. मैंने बी कॉम किया था। जब मैंने बी कॉम किया उसके बाद उन्होंने कहा बस चल चलो अब तुम ईजी रहो। उस वक्त मेरा खुद डिज़ायर हो गया कि मैं आगे और तालीम हासिल करूँ, मैंने एम बी ए किया। अच्छा, एंड आई फील वेरी गुड और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इतने ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं और वो बड़े खुश होते हैं इस बात से वेन एवर आई गो इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस और उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि डोंट बी प्राउड और डोंट फील कि आई फील प्राउड कि दैट आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ फेमस पर्सन। आप इस बात से मुझे लो कि आई फील प्राउड कि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री है एजुकेशन। मैं समझती हूँ आप कुछ भी कर लो, हाँ, आप जितने बड़े सेलिब्रिटी फील गुड, जो आपको बात ही ना करनी आए ना तो फिर क्या फायदा? तो उसमें एजुकेशन एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन किस्म की आपको जो है वो पैदा करती है आपके दिल में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में ये चला जाता है कि अगर आपके पास डिग्रीज हों तो आपको नौकरियां अच्छी मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं है। बहुत से लोग अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी एजुकेशन हासिल करते हैं। तो अच्छी खासी अब्बा जान से सपोर्ट मिली? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही तो लाइक ही वॉन्टेड मी। और अम्मी? अम्मी भी माशाल्लाह, अम्मी तो हमेशा अब्बा के साथ रहीं और अम्मी तो इतनी सपोर्टिव रहीं। अभी भी जब अब्बा अबाउट 3 साल हो गए अब्बा को इस दुनिया को छोड़े हुए, तो अम्मी के साथ ही मैं हूँ और माशाल्लाह अम्मी की प्लानिंग, उनकी गाइडेंस जो है वो हमारे लिए बहुत ही, यानी जितनी भी उसकी तारीफ की जाए, यही मेरे अब्बा के साथ भी हमेशा वो पीछे होती थी। जब मेरे फादर ने पहली दफा फिल्म बनाई चटकुड़ियां तो डरदा ही नेवर न्यू पंजाबी लैंग्वेज एंड ही टुक अ स्टेप, ही मेड दैट मूवी और उस फिल्म का बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर के अवार्ड मिले, जिसपे सुल्तान रही ने कहा तेनू ते पंजाबी भी नहीं आंदी, तेनू इन्हे अवार्ड मिल गए, मैनू एक भी नहीं मिला। आप बिलीव करें निगार के तीनों जो जमाने के अवार्ड थे 1976 में ये रिलीज हुई, तीनों मेरे वाले साहब को मिले, जटकुड़िया तो डरदा उस फिल्म का नाम। कैन यू इमेजिन कितने बड़े बड़े रिस्क थे जो ही यूज्ड टू टेक इन हिज लाइफ एंड यूज्ड टू मेक सच ग्रेट एक्टर। बिल्कुल ग्रेट एक्टर, और बस ही लव्ड एक्टिंग एंड दिस वाज हिज पैशन। और मुझे भी अगर मैं इस फील्ड में आया वो उन्हीं की वजह से आया, ही वॉन्टेड मी कि उनका नाम चलता रहे। और आज मुझे खुशी होती है जब मैं शोज में होता हूँ और वहाँ पर लाइव जो लोग बैठे होते हैं प्यार करने वाले, जो दुआएं वो लोग देते हैं,
अब्बा को कि आप बिलीव नहीं कर सकती, वो जो मोहब्बत एक मिलती है ना आपको, उसकी अलग जो है खुशी होती है उसकी आपको इंतहा नहीं। मैं बड़ी से बड़ी नौकरी कर लूं मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती जो यहाँ पर स्टेज पर मुझे मूवीज की हम बात करें तो गालिब अभी भी मूवीज का वही शौक है। बिल्कुल देखिए, एक जो एक्टर होता है ना उसका शौक कभी भी नहीं खत्म होता। बहुत से आपने सुना होगा बातें ये करते हैं कि हम रिटायर हो रहे हैं। एक्चुअली में रिटायर कोई नहीं होता जब उनको रोल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मेरे साथ भी ये हुआ। होता क्या है कि यहाँ पर अब यही ट्रेंड हमारी टीवी इंडस्ट्री का भी हो गया है जहाँ पर वो तीन चार एक्टर्स हैं हर ड्रामे में, उन्हीं को कास्ट किया जाता है। ड्रामे में वही इस वजह से है तीन एक्ट्रेसेस, वही तीन एक्टर, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या वजह है, बने में कहीं आप बिलीव करें ये वजह ये है। अच्छा गालिब मूवीज की बात हो रही है, कैन नॉट टेक रिस्क। बिल्कुल मूवीज की बात हो रही है। एक फ्राइडे आ गया, वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों ने तीन मूवीज के प्रोमो, एक मैंने बच्चों की मूवी का प्रोमो दिखाया, अभी एक और शाहरुख खान सबके बड़े फेवरेट है तो उनकी एक मूवी अभी रिलीज हुई है डॉन 2, उसका चल के प्रोमो देखते हैं फिर आते हैं। डॉन, डॉन, गुड इवनिंग मिस्टर मलिक। पुट योर हैंड्स अप। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सबूत समेत चाहिए, मेरे खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले लीजिए। तुम्हारी तलाश तो दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट को है, किस किस से बात करूंगा। आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती, अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देते। मिस्टर मलिक आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। Welcome to hell, darling. मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराने आया हूँ। और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन वो डॉन के साथ, यही तो पता लगा। I am just a big fan, sir. Sir, sir बहुत शरीफ सा लगता है। Call me Don. रोमा, रोमा, मेरी जंगली बिल्ली, कब तक मेरा पीछा करती रहोगी? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल समझ लें, डॉन को पकड़ना बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस शाहिद है लाइन पे। हेलो, हेलो। चले मिस्टर शायद डॉन 2 का सुन के ही चली गई है। बड़ा ये उनको डर लग गया होगा कि डॉन 2 को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा खैर, वापस गालिब पे आती हूँ मैं। गालिब आपने एक डेब्यू मूवी भी की। एक नहीं, मैंने दो फिल्में की। एंड आई वाज द फर्स्ट एक्टर जिसकी दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट कि एक प्रोड्यूसर कह रहा था मेरी फिल्म पहले रिलीज हो, एक प्रोड्यूसर कह रहा था। सॉरी मिसेस शायद दोबारा आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शायद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही? अच्छा मैं पूछ चुकी हूँ, फिर पूछूं कौन बात कर रही? वो आदत सी हो गई है ना। अच्छा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और आज माशाल्लाह गालिब कमाल आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत इनको देख के खुशी हो रही है। थैंक यू जी। इनके ड्रामा वगैरह बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, इन्होंने बिल्कुल आना छोड़ दिया, तो इसी वजह से वो तीन चेहरे टीवी पे नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोग नहीं आते हैं, आप लोग मतलब साइड लाइन हो गए, तो इसी वजह से जो है हमें हर वक्त एक ही हर चैनल पे वही चेहरे दिखते हैं, चार ही शक्लें नजर आती हैं। ये वाली बात भाई, ये कोई हमारी अल्फाज नहीं है, ये दुनिया के अल्फाज हैं जो हमने पहले यहाँ पर कहे, क्योंकि हम नहीं चाहते। देखिए हमारे लिए प्रोग्राम व्यूअर्स के लिए बनते हैं ना, व्यूअर्स नहीं चाहती है हर वक्त एक ही देखना। ये कहा जाए ये हमारे डायरेक्टर नहीं समझते, प्रोड्यूसर नहीं समझते, वो रिस्क नहीं ले सकते ना, रिस्क नहीं ले सकते। वो कहते हैं भाई किसी और को डाल दिया तो हमारा ड्रामा ना पिट जाए, फेल ना हो जाए, जबकि उनको पता है कि ये ड्रामे जो हैं ये विदाउट एनी टिकट पीपल सी देम ऑन टीवी। हमारे वाले साहब थे, उनके ऊपर 200-200 रुपए के टिकट 1970s में बिका करते थे ब्लैक में, वो एक्टर्स होते थे फिल्म्स के। अब टीवी के जो एक्टर हैं वो तो टीवी के एक्टर हैं, यहाँ पर भी अब वो चॉइसेस नहीं है।
वही तीन चार चेने हर ड्रामे में डाल दो। जैसे कि अभी आपने एक प्रोमो दिखाया तो एक मतलब इंडियन फिल्म का, तो देखिए व्यूवर्स के लिए प्रोग्राम बनते हैं। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं तो ये व्यूवर्स के लिए बनते हैं, तो हम नहीं चाहते इंडिया की चीजें अपने चैनल पे देखना। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है आप ही के दूसरे चैनल पे, तो वो सवालात हुए जा रहे हैं कि मतलब मैडम नूरजहां के हवाले से, तो किसी को ना उनके फिल्म का पता है ना उनके गानों का पता है, तो फिर जब वो साल में एक बार कॉन्टेस्ट, अरे आप मैडम नूरजहां को छोड़े, कितने लोगों को तो कायदे आजम के, बिल्कुल मैं वही बताने जा रही थी कि ना कायदे आजम का तो हमें कैसे पर देखे। ये जनरेशन को 90s के बाद से हमारे मीडिया के ऊपर सिवाय इंडिया के प्रोग्राम्स के कुछ नहीं चलता। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अभी मैं, हम लोग तो ये नहीं कि हम पूरा पूरा उसका तबसरा कर रहे होते मूवी का बैठे, मैं तो फ्राइडे को इसलिए प्रोमो दिखाती हूँ कि लोगों को पता चलता है कि सिनेमा में कौन सी, अब हमारे सिनेमाज में देखे ना मूवीज ही सिर्फ में से शायद यही लग रही है, कोई और मूवीज हो तो फिर इंसान बात भी करे। अभी पाकिस्तानी मूवीज लगी थी, रीमा की मूवी लगी थी, वो भी हमने बताई थी जी, बिल्कुल हमने। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक हेल्दी सी चीज है, हमें इन तफरुकात में रहने ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया वो ये, नहीं वो भी सही कह रही है, मुझे उनकी बात भी समझ आ रही है कि देखिए मैडम नूरजहां के बारे में लोगों को नहीं पता। देखिए आप लोग ये लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं तो अपने व्यूवर्स के लिए करते हैं, जो व्यूवर्स देखना चाहते हैं वो दिखाइए ना, ये 300 करोड़ और 400 करोड़ जो है जो मुनाफ़त दिखाई जाती है मीडिया पे, उससे जो है हमारे अंदर जो है एक कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है, क्योंकि देखिए डेफिनेट ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी, बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लोग कोई काम करेंगे जो कि इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे चैनल आपका चैनल ऐसे प्रोग्राम दिखाता है, मैं सिर्फ आपके चैनल नहीं और भी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसको देख के खुशी होती है, जिसको देख के अच्छा लगता है। अब आप मॉर्निंग शोज में देख लें लाखों रुपए के जोड़े पहने होते हैं, जेवरात पहने होते हैं। मैं आपको एक चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि एक बच्ची ने सिर्फ लिटरली मेरे एरिया में खुदकुशी की है कि उसको 25,000 का जोड़ा नहीं मिल सका था, तो की वजह से उसने सुसाइड कर ली। कि आप ये अनबिलीवेबल है, लेकिन ये है क्योंकि आपने देखा है, तो आपको पता है। प्लीज ये मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अवाम पे, मतलब हम लोगों के। चलें आपसे एक क्वेश्चन कर लूं? जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा आप तो मैं बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन करने वाली हूं, मुझे नहीं पता होगा वैसे, लेक्चर तो बड़ा दे दिया। What illness did जिना secretly suffer from? कौन सी ऐसी बीमारी थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को थी लेकिन उनको किसी को पता नहीं थी? अस्थमा नहीं थी। चले अब आप मतलब क्योंकि देखिए ये चीज तो चले। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी नहीं आप देंगे, आप थोड़ी देर बाद देंगे, ब्रेक के बाद आपको जवाब देना है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।